आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना की प्रथम लाभार्थी रही करिश्मा अपने माता पिता के साथ पिछले 15 दिनों से इलाज के लिए भटकती रही। आयुष्मान भारत हो, भारत आयु। लेकिन कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में करिश्मा को भर्ती नहीं किया गया। जब करिश्मा की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी और मीडिया में खबर उछली, तब करिश्मा को किसी तरह इंद्री के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा इलाज शुरू किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है, उसका जो है ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं उसको। और देखो, अगर फीवर है तो वो थोड़ा सा, आजकल एक सीज़न भी जो है ना वो एक एलर्जिक सीज़न है, किस्म से चेंजिंग वेदर है, जिसकी वजह से जो है ना एलर्जी की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो उसमें 3-4 दिन 5-7 दिन लगते ही लगते हैं ठीक होने के लिए, तो हो जाएगा ठीक, ऐसा कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। करनाल सिविल सर्जन का कहना है कि करिश्मा का इलाज चल रहा है और वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगी। करिश्मा भारत की बेटी है, हम सबकी बेटी है जी। तो इसको हल्का बुखार है और साथ में इसकी छाती में थोड़ी सी कंजेशन है। वहीं करिश्मा के पिता का कहना है कि योजना तो अच्छी है लेकिन अस्पतालों की उदासीनता परेशान करती है। जिस अस्पताल में उसकी बेटी का जन्म हुआ वहीं किसी डॉक्टर ने सुध नहीं ली। कम कल्पना चावला में गए थे जी, क्या हुआ वहाँ पे? कुछ नहीं आया जी, सिर्फ इसका एक टेस्ट लिया गया। वहाँ से डॉक्टरों से बोले, मगर बुखार तो देखो कितना तेज है, कोई गोली या इसका ट्रीटमेंट तो करो। वो बोलने लगे परसों ही, परसों तक चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा। तो स्कीम तो अच्छी चले लेकिन लड़की का इलाज नहीं चल रहा जी। कहाँ अभी इसका 8 किलो वजन था, अभी 6 किलो वजन रह गया जी। हाँ, प्रधानमंत्री स्कीम तो बहुत अच्छी चलाई है लेकिन हमारी लड़की के लिए अच्छी नहीं है जी। आपको बता दें कि पूरे देश में आयुष्मान भारत के तहत सबसे पहला लाभ करिश्मा की मां को मिला था। 15 अगस्त 2018 को करिश्मा का जन्म कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में हुआ था। अस्पताल प्रशासन ने ही करिश्मा का नामकरण किया था। आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विशेष रूप से करिश्मा को आशीर्वाद भी दिया था। करनाल से ईशा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।